चोपड़ा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कितने मार्क्स पर कौन सी रैंक रही है, यानी कि मार्क्स वर्सेस रैंक का यहां पर हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आपने अपना रैंक तो देख लिया होगा लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स पर कितनी रैंक आई है ये इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि एनटीए ने फाइनल आंसर की में कोई चेंज नहीं किया है, जो प्रोविजनल आंसर की थी वही फाइनल आंसर की है, न किसी क्वेश्चन का बोनस दिया है और न ही किसी को रॉन्ग या सही किया है, वही प्रोविजनल आंसर की फाइनल आंसर की है कि है एनटीए की। और ये 21 में भी ऐसा ही हुआ था, 22 में भी ऐसा ही हो गया कि कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कोई रिवाइज आंसर की जारी नहीं की गई है, कोई करेक्शन नहीं हुआ है आंसर की में। अब हम यहाँ पर मार्क्स वर्सेस रैंक का यहाँ पर देखें, एनालिसिस करें एक बार, तो 720 मार्क्स पर 22 में कोई स्टूडेंट नहीं है लेकिन 21 में 3 स्टूडेंट थे। तो अगर हम यहाँ पर 715 का देखें तो 4 स्टूडेंट हैं और 20 स्टूडेंट थे 21 में। अगर यहां पर एनटीए बोनस देता बायोलॉजी के क्वेश्चन को तो हो सकता है इस बार भी 720 पर यहां 4 स्टूडेंट रह सकते थे या फिर 3 या 2 या 1 स्टूडेंट तो रह ही सकता था बोनस देने से। तो यहां पर बोनस न देने की वजह से 715 पर 4 कैंडिडेट हैं और 21 में ये 20 कैंडिडेट थे। 705 पर 75 है अभी इस बार और ये 21 में 100 स्टूडेंट थे। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो ये कट ऑफ है 21 और 22 में, तो 22 में यहां कट ऑफ डिक्रीज हो रही है और ये रैंक डिक्रीज हो रही है, और ये कहां तक डिक्रीज हो रही है, 670 तक ये रैंक डिक्रीज हो रही है और उसके बाद में ये रैंक इंक्रीज हो रही है 21 की बनिस्पत। तो इसमें हम आगे देखते हैं, 700 पे 197 है अब की बार और 203 थे 21 में, 690 पर 501 है और 512 थे 21 में, 685 पर 513 है इस बार, 722 थे 21 में, 680 पर 905 कैंडिडेट से रैंक है और ये 21 में 991 से, 675 पर 1265 रैंक है जबकि ये 21 में 1337 थी। अब यहां पर 670 पर 1740 है लेकिन 21 में 1701 रैंक थी, यहां से फिर ये रैंक इंक्रीज होना शुरू हो गई है, यहां से इंक्रीज होना शुरू हो गई है, 21 से यहां से रैंक इंक्रीज होना शुरू हो गई है, यानी कि 670 से ऊपर वाले स्टूडेंट इस बार कम है लेकिन इससे डाउन वाले स्टूडेंट अभी ज्यादा हैं इसमें। इस प्रकार से 660 का देखें तो 2900 पर है इस बार और ये 21 में 2758 रैंक थी इस पर। 650 पर देखें तो इस बार 4485 रैंक है, ये 21 में 4169 थी। तो इस बार का हम 600 पर देखें तो 21,000 रैंक है लेकिन 21 में 9,142 रैंक थी यहाँ पर। तो हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो जो लास्ट रैंक देखते हैं 444 पर, वो इस साल 1,32,134 रैंक है जबकि ये 21 में 1,40,405 रैंक थी। तो इस प्रकार से ये मार्क्स वर्सेस रैंक का कैलकुलेशन है और इसमें हम देख सकते हैं कि इस बार जो सिलेक्शन होना है उसके लिए मैंने कट ऑफ ऑलरेडी बता दी है कि ये कट ऑफ 695 रह सकती है, 695 यानी कि 23,000 तक इस बार कट ऑफ जा सकती है। तो इसमें ये 22,000 से 23,000 के बीच में ये कट ऑफ रह सकती है इस बार के लिए, क्योंकि इसका कारण ये है कि इस बार भी काफी सारी सीटें ऐड हो रही हैं, ऑल इंडिया में भी तकरीबन 800 तकरीबन ये सीट ऐड होंगी, तो इसमें कट ऑफ में कम से कम 800 सीट
ऐड होती हैं तो हम मान के चलते हैं कि 2000 रैंक का यहां पर फायदा होता है। 800 पर 2000 रैंक का ऑल इंडिया में फायदा होता है, 2000 रैंक ज्यादा जाती है। फिर भी ये सिचुएशन बताएगी काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ जा रही है, तो उस समय देखते हैं क्या इसका एनालिसिस रहता है, तब मैं आपको इसके बारे में ये बता दूंगा कि ये लास्ट राउंड की कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये हमें फर्स्ट राउंड से आइडिया हो जाएगा, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ से। तो ये जानकारी थी मार्क्स वर्सेज रैंक के बारे में। अगर आप काउंसलिंग के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने सीट मैट्रिक्स, फीस, सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी, 2022 में आपको कैसे चॉइस फिल करनी है उसके बारे में बता रखा है, सारी सब कुछ जानकारी दे रखी है। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे और आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।